इंतजार की घड़ियां अब हो चुकी हैं खत्म। पाकिस्तान और कैंट के दरमियान मैच का आगाज होने जा रहा है, जिसे देखने के लिए आप लोग बेचैन होंगे। ये मैच किस तरह से लाइव देखा जा सकेगा, क्या तरीकाकार है, क्या प्रोसीजर है, आप इस वीडियो में जान सकेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस मैच में पाकिस्तान की हिकमत इमली क्या होनी चाहिए, फिर वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ये मैच एक प्रैक्टिस मैच है। इस मैच में पाकिस्तान ने प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को ग्रूम करना है, तैयार करना है। लेकिन इस प्रैक्टिस मैच में कहीं अपने आप को बर्बाद नहीं कर देना, कहीं गंदी आदतें नहीं डाल देनी। इसी तरह से जिस तरह से बच्चा है, बच्चा वो गुनाह करे उसको गुनाह नहीं मिलता, क्योंकि बच्चा मासूम है। जितने भी गुनाह करे उसको गुनाह नहीं मिलेगा। इसी तरह से पाकिस्तान यहाँ पर मैच हार भी जाए तो पाकिस्तान को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जिस से बच्चा गुनाह करता है उसको गुनाह नहीं मिलता, लेकिन वही गुनाह वो बड़ा होकर उसकी आदत बन जाता है। इसी तरह से अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस प्रैक्टिस मैच में खुद गर्जी की बैटिंग करती है तो वही खुद गर्जी की बैटिंग इंटरनेशनल क्रिकेट में जाकर उस खिलाड़ी की आदत बन जाती है। इसी तरह से जिस तरह से आपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को गुनाह से बचाना होता है, हालांकि उसको गुनाह का गुनाह नहीं मिलता, इसी तरह से आपने इस प्रैक्टिस मैच में खिलाड़ियों को बद आदतों से बचाना होता है, खुद गर्जी की बैटिंग से बचाना होता है, खुद गर्जी की बॉलिंग से बचाना होता है, खुद गर्जी की फील्डिंग से बचाना होता है, मैच से बचाना होता है, अपने आप को ऊंचा जाहिर करने से बचाना होता है, अपने लिए मुल्क को कुर्बान करने का आदि बनाना होता है। ये चीजें प्रैक्टिस मैच में भी करना पड़ती है ताकि आपकी आदत बन सके, ताकि इंटरनेशनल क्रिकेट में जाकर आपकी अच्छी आदतें बन सके, वही आदतें वहां पर दोहराई ना जा सके। सबसे पहले पाकिस्तान ने अपनी उस गलती को दूर करना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज थी उसी में ये गलती थी। हारिस सुहेल ने जिस तरह से बैटिंग की, रिजवान ने जिस तरह से बैटिंग की, यानी यही चीज थी कि खिलाड़ी में शायद ये टास्क दे दिया गया था कि मैं जीतो या हारो हमें कुछ परवाह नहीं, आपने बस अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, ऐसा शायद खिलाड़ियों को बता दिया गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से बदतरीन तरीके से हारा। अगर यही हिकमत इमली रही, इसको दूर ना किया गया तो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में जरूर सवाई होगी। इसलिए पाकिस्तान ने प्रैक्टिस मैच में गलतियों को दूर करना है, खिलाड़ियों को ऐसी बैटिंग करनी है जिससे वो उनकी परफॉर्मेंस तो बेहतर हो लेकिन टीम को कुछ नुकसान ना हो। खिलाड़ियों को ऐसी टिप्स देनी है, फिर कहूंगा कि किसी खिलाड़ी ने सो के लिए नहीं खेलना, बल्कि मैच जीतने के लिए खेलना है। चाहे प्रैक्टिस मैच अच्छा है लेकिन कंडीशन सिचुएशन के मुताबिक खेलना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टीम मैनेजमेंट को, टीम मैनेजमेंट को इसके लिए ये करना पड़ेगा, टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करना पड़ेगी, क्योंकि वो पहले बैटिंग करेंगे, बैटिंग विकेट हुई, फ्लैट विकेट हुई तो फिर खिलाड़ियों की वही तरीकाकार होगा, हारिस सुहेल का वही तरीकाकार होगा। क्योंकि हारिस सुहेल को अगर मौका मिलता है, पहले बैटिंग आती है, हारिस सुहेल की प्लेइंग 11 में, फाइनल प्लेइंग 11 में जगह पक्की नहीं है, उनकी जगह बनना मुश्किल है। इसलिए हारिस सुहेल कोशिश कर सकते हैं किसी तरीके से लंबी इनिंग खेलकर प्लेइंग 11 में जगह बनाने, फखर जमान को ड्रॉप करवा दें, किसी और को ड्रॉप करवा दें, शोएब मलिक पर प्रेशर क्लियर करवा दें। हारिस सुहेल की पूरी कोशिश होगी, इस वजह से पाकिस्तान टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करनी है ताकि खिलाड़ी इस टारगेट को चेस करे। अगर कोई खिलाड़ी वहां पर खुद गर्जी की बैटिंग करेगा तो बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा, पहले बैटिंग करने की सूरत में पकड़ना मुश्किल होता है, सेकंड बैटिंग की सूरत में पकड़ना आसान होता है। इसलिए फिर कहूंगा अगर विकेट फ्लैट हुई, बैटिंग हुई, नॉर्मल भी हुई, फिर भी आपने पहले बॉलिंग करनी है। हिकमत इमली के हवाले से बातें तो काफी करने वाली है लेकिन वीडियो काफी लंबी होती जा रही है, इस वजह से वीडियो को आगे की जानब बढ़ाते हुए प्लेइंग 11 की जानब आते हैं। प्लेइंग 11 की बात की जाए तो ओपनिंग बैट्समैन पर इमाम उल्हक और फखर जमान होंगे, वन नाइन पोजीशन पर बाबर आजम होंगे, नंबर 4 पर सरफराज अहमद को खेलना चाहिए मेरी ओपिनियन है, लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नंबर 4 पर मुझे मोहम्मद हफीज फिट होने की स्थिति में बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा
लावारिस मोहम्मद हफीज का अंगूठा थोड़ा जख्मी है, अभी थोड़ी कमी रह गई है। तो फिर हारिस अगर खुद गर्ज को एक और मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर पांच पर शोएब मलिक बैटिंग के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि सरफराज अहमद ने कहा था कि मैं वर्ल्ड में नंबर पांच पर बैटिंग करूंगा, ऐसा कुछ उन्होंने इशारा दिया था। इसी बुनियाद पर नंबर पांच पर सरफराज अहमद के खेलने के चांसेस है, नंबर छह पर शोएब मलिक का चांस है वो खेलेंगे, नंबर सात पर इमाद वसीम की बैटिंग है, नंबर आठ पर फहीम अशरफ होंगे, नंबर नौ पर यासिर शाह हो सकते हैं, नंबर दस और ग्यारह की बात की जाए मेरी ओपिनियन के मुताबिक मोहम्मद आमिर को और मोहम्मद हसनैन दोनों को खिला दिया जाए। हसन अली पक्के हैं वर्ल्ड कप, इन्होंने खेलना है, इनको ड्रॉप नहीं करना, इसलिए इनको थोड़ा रेस्ट दे दिया जाए, इनको कुर्बानी दे दी जाए, इनको अगले मैचेस में आजमा लिया जाए, अव्वल तो पहले इन दोनों को खिला लिया जाए। हाँ मैं तो ये कहता हूँ कि मोहम्मद हसनैन को ड्रॉप कर दो, वर्ल्ड कप से निकाल दो, मोहम्मद आमिर को ले जाओ और फिर शायद दूसरों को भी चांस मिल जाएगा। चलिए वीडियो को मजीद आगे बढ़ाते हैं, काफी लंबी होती जा रही है। शेड्यूल और टाइमिंग की बात करते हैं, पाकिस्तान और कैंट के दरमियान ये मैच हफ्ता के दिन 27 अप्रैल को खेला जाएगा, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा। दीगर कंट्रीज की टाइमिंग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लाइव की बात की जाए तो ये मैच पाकिस्तान में लाइव शायद आप टीवी पर वॉच नहीं कर सकते, इसके लिए आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। शायद आप देख नहीं सकते लेकिन लाइव स्कोर जरूर देख सकते हैं। गूगल पर आप सर्च करके क्रिक इन्फो की वेबसाइट पर या फिर क्रिक बस की वेबसाइट पर और भी वेबसाइट्स होंगी इस मैच को लाइव टेलीकास्ट करेंगे, लाइव स्कोर दिखाएंगी आपको। शायद आप वीडियो नहीं देख सकते फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं, आपको यूट्यूब पर हाईलाइट्स इसकी मिल सकती है हल्की फुल्की।